हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम एंड आई एम पूजा, और इस टाइम मैं हूं अलिप्पी के हाउस बोट्स में, जो भी है चलता फिरता घर। तो आप ये देख रहे होंगे कितना शानदार व्यू है यहां का, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलिप्पी की हाउस बोट के अलावा यहां पर आप कहां कहां घूम सकते हैं और क्या क्या यहां पर है आपके लिए, साथ ही इसके अलावा यहां की आइटनरी, बजट एंड ऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए अलिप्पी का सफर। अलिप्पी, जिसे अलप्पुज़ा के नाम से भी जाना जाता है, और केरला आने वाले टूरिस्ट के लिस्ट में इसका नाम जरूर होता है। और यहाँ पहुँचने के लिए आप सीधे यहाँ के रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं, और फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियर बाई एयरपोर्ट कोच्ची का है। कोच्ची से आप मात्र 100 रूपए में बस के थ्रू अलिप्पी पहुँच सकते हैं। अलिप्पी की सबसे एक्साइटिंग और सबसे पॉपुलर चीज़ है हाउस बोट, और हाउस बोट के पास मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर कई सारी हाउस बोट खड़ी है, पूजा भी यहाँ पे आ चुकी है। अलिप्पी में हाउस बोट का पिकअप पॉइंट मेन रेलवे स्टेशन से केवल 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हालांकि यहाँ पर कुछ अलग जगहों पर भी इसके पिकअप पॉइंट्स हैं। तो हाउस बोट में अब मैं जा रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, और मैं ही चलाने वाला हूँ। हाँ, नेविगेशन समझ इसी को आता है, मजा आएगा, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और लास्ट टाइम कश्मीर में मैं बैठा था, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, बट यहाँ पर देख कर ही मुझको फील हो गया है, और आप भी देख सकते हो, कश्मीर वाला भी देखे होंगे और यहाँ वाला भी। अभी ये केवल स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे अलग एक्सपीरियंस है। मैंने हॉलीडे लाइफ टूर से बुक किया है, और अभी तक का जितना भी केरला की ट्रिप हो रही है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। इन हाउस बोट्स का जनरल चेक इन टाइम 12 बजे के करीब होता है, हालांकि आप इससे आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएं, जबकि ये हाउस बोट्स लगभग 1 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो बैक वाटर के लिए अपनी सवारी चल चुकी है, यानी कि हाउस बोट अपनी स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो आप देख रहे हैं ये तट रहा, इसी किनारे पे खड़ी रहती हैं सारी हाउस बोट्स, और रेलवे स्टेशन से आई थिंक 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ही ये एरिया है जहाँ पे ये हाउस बोट्स होती हैं। और बाकी अभी चलने लगी है ये, और जो 12 बजे की टाइमिंग होती है, 12 बजे आप चेक इन कर लें और थोड़ा सा पहले आ जाएं, 12 बजे चेक इन टाइमिंग होती है और लगभग 1 बजे से पहले पहले चल जाती है। अभी लगभग 12:45 है और अपनी हाउस बोट चल चुकी है, तो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है, मज़ा आ रहा है, मौसम शानदार है। ये हाउस बोट्स अलिप्पी के बैक वाटर में चलते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं, और पूरे भारत में अलिप्पी और कश्मीर में ही प्रॉपर हाउस बोट का स्ट्रक्चर है, और अलिप्पी में टूरिस्ट हाउस बोट के एक्सपीरियंस के लिए ही आते हैं। तो यहाँ पर जो हाउस बोट है उसको मैं दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है, और सबसे पहले ये एरिया आता है, ये तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये ड्राइवर का एरिया है, ड्राइवर यहाँ पे बैठता है, ड्राइव करता है, और यहाँ पर आप दो लोग हैं तो आराम से यहाँ पे बड़े बड़े सोफ़ा लगे हैं, और दोनों पे आप अलग अलग बैठ सकते हैं। और इसके बाद ये एरिया आता है जहाँ पे आप कुछ को खाना पीना हो तो वो कर सकते हैं, डीजे वगैरह की सुविधा है, और बनाना वगैरह है, पाइनएप्पल है, ये सब चीज़ें, तो लंच डिनर आपका यहीं पे होता है, टीवी वगैरह भी लगी है, फ़ैन है यहाँ पर, एयर कंडीशन है, आपका ये एरिया पूरा पैक हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ग्लासेस लगे हुए हैं, और ये पूरा पैक हो जाता है, तो पूरा एयर कंडीशन है। ये ऐसा एरिया लगेगा जैसे फर्स्ट एसी होता है ट्रेन में, कुछ वैसा है, उसका गैलरी जैसा होता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी एसी लगा है। अब आते हैं रूम में, केला खाना भी ज़रूरी है कैसे हेल्थ के लिए। तो ये रहा वो रूम,
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा रोमांटिक वाला बेड है और पेंटिंग्स वगैरह लगी है, टीवी भी है इस रूम में आपके लिए और एयर कंडीशन रूम है। एसी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सुबह रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ही एसी चलता है, ये रूल है और हर हाउस बोट में ये अप्लाई होता है। और यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ वार्डरोब टाइप का बना हुआ है जिसमें कपड़े वपड़े रख सकते हैं। और वॉशरूम अगर आप देखेंगे, छोटू सा वॉशरूम है लेकिन सफिशियंट है और साफ सुथरा और देखने में लुक वाइज भी अच्छा है। तो ये पूरा आपका देखेंगे यहाँ पे रूम का टूर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ऊपर का भी यहाँ पर पोर्शन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी निकलने का वक्त हो गया है और रिसेंटली ये 5 ब्रांड का परफ्यूम लॉन्च हुआ है जिसका मैंने 4 फ्रेग्रेंस को यूज किया है और ये वाला है 5 का सोशल इडिटी जो मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया है क्योंकि इसमें एक्वा और सिट्रस की फ्रेग्रेंस है। इसके टॉप नोट्स का मिंट और मैंडरिन और मिडिल नोट का जिंजर और सैंडलवुड और पाम वुड सी नैरोली लेयर्ड से बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। और चाहे गर्मी में बाइक राइड हो या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, फ्रेश एंड वंडरफुल दिखना जरूरी है ना यार, बिकॉज इट्स गाइस थिंग। सो इसकी कूल एंड रिच एंड शार्प लुक बॉटल अट्रैक्ट भी करती है जो इस फेस्टिव सीजन में गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और 5 ब्रांड 100% वेगन भी है जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और स्पेशली गाइस के सेल्फ केयर प्रोडक्ट हैं। मुझे पर्सनली इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद है और वैल्यू फॉर मनी भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी है क्योंकि केवल 750 रुपीज़ में मिलता है और अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर 30% तक डिस्काउंट भी है और 50 ml में भी ऑप्शन है जिसे आप ट्राई करने के बाद पछताओगे नहीं क्योंकि ये है ही 5 इतना शानदार है। हाउस बोट में ऊपर की तरफ डेक का भी एक्सपीरियंस मिलता है। सो जिस डेक की बात मैं कर रहा था उस डेक पे मैं आ गया हूँ और यहाँ आप देख रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे पूरी टीवी वगैरह लगी है और यहाँ पर सोफा है, आराम से आप बैठो और इन नज़ारों का आनंद आप उठाओ। ये पूरी बैक वाटर में इस टाइम हाउस बोट अपनी चल रही है। कश्मीर में भी मैंने किया था लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस मतलब उसमें तो 10 out of 1 दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर 10 out of 9 मैं दूंगा क्योंकि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है और ऐसा एक्सपीरियंस तो भाई पहली बार मिल रहा है हाउस बोट का। लग्जरी के मामले में बहुत अच्छा है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर व्यूज़ के मामले में देखा जाए उसमें भी है और अगर यहाँ पे खाना पीना सब चीज़ के मामले में देखा जाए बेस्ट है। सो ये रहा अपना बैक वाटर और हाउस बोट आ रही है जा रही है और सब तरह की इसमें हाउस बोट होती है, मतलब शेयरिंग में आप लेंगे तो उसका अलग है और लगभग 4 या 5 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा तक जाता है इसका। 11,000 रुपये तक का रेट है जिसमें मैं इस टाइम हूँ एक नाइट का स्टे का। सो अलग अलग रेट हैं और अलग अलग सुविधाएं हैं, जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग का यहाँ पे लंच आ चुका है और लंच में बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बेसिकली यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत ही डिलीशियस फूड होता है एंड स्पेशली फिश डिशेस, फिश खाते हैं बिल्कुल, उन लोगों के लिए काफी। सो हमारे लिए है अच्छा है, सांभर है और राइस है, रात को चपाती वगैरह बोला है। सो ये सब चीजें हैं, कैबेज है, बीट रूट की ये बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझको। सो मतलब ये सारी चीजें हैं। लगभग 5 बजे सभी हाउस बोट्स को एक दूसरे किनारे पर लगा दिया जाता है जहाँ वो रात भर खड़ी रहती है। हाउस बोट से मैं उतर गया हूँ लेकिन हाउस बोट का टूर खत्म नहीं हुआ है, ये इवनिंग में लगभग 5 बजे एक साइड तट पर लग जाती है स्टिल्ट वाटर में, यानी जहाँ पे पानी स्थिर है वहाँ पे, क्योंकि इसके बाद चलने की परमिशन नहीं होती है क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो रिस्क बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे जो विलेज है देखते हैं क्या है, मुझे भी नहीं मालूम है और देखते हैं। यहाँ किनारे पर केवल 1-2 शॉप्स ही हैं जहाँ आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, लेकिन कोई रेस्टोरेंट या बड़ी शॉप्स नहीं है। पैदल चल चल के लगभग 1/2 किलोमीटर में इतना आगे आ गया हूँ कि यहाँ पे हाउस बोट जो है वो उनकी पार्किंग समाप्त हो जाती है और ये ब्रिज दिखता है। अब ऑटो देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये रोड से भी कनेक्टेड है, मतलब ये जो विलेज है ये यहाँ से भी आप डायरेक्ट अलेप्पी जा सकते हैं। इवनिंग में आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा सनसेट देख सकते हैं, चूँकि अभी बादल है तो बहुत क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन व्यू आप देखो कितना प्यारा सा है और इन व्यूज़ के साथ लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है।
और ये ब्रिज पे आके मतलब फील होगा कि केरला में है। इवन केरला में आते ही केरला वाला फील होता है, जो यहाँ की नेचर जो दिखता है वो कहीं पे भी नहीं दिखेगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, तो आप अपने घर वालों से कनेक्टेड रहेंगे, अपना काम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अभी शाम को मैं निकल रहा हूँ एलएपी की मार्केट में। जब हाउस बोट में आप आ जाते हैं तो ऑप्शन आपके पास, आप सोचोगे बंद जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इवनिंग का भी टाइम है, अभी हम लोग जा रहे हैं एलएपी मार्केट और एक घंटा के आसपास वहाँ पे फिर करके वापस आएंगे यहीं पे। यहाँ से केवल 10-15 मिनट में ही मैं मार्केट पहुँच गया, जहाँ सबसे पहले एक टेम्पल में पहुँचा। एलएपी की मार्केट में आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, और ख़ास बात यह है कि मैंने मेन्यू देखा है तो यहाँ पर मतलब पनीर बटर मसाला, जो कि हमारे यहाँ लगभग 150 या 200 रुपए तक भी मिलता है ऐसे इस टाइप के रेस्टोरेंट्स में, सो यहाँ पे 125 या 115 रुपए में ही पनीर वाली डिशेज मिल जा रही हैं। और बाकी यहाँ पर समोसे वगैरह भी मिल जाएंगे। प्योर वेज अल्टीमेटली अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कई दुकानें हैं, जो जिसमें से एक मुझे दिखी है, तो हो सकता है और भी यहाँ पर होंगी, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और प्योर वेज अगर आप हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही यहाँ स्ट्रीट फूड के भी ऑप्शन हैं, और यहाँ मार्केट में आपको स्कूटी भी रेंटल पर मिल जाते हैं, जो कि 800 से 1000 रुपए पर डे में मिलते हैं। और साथ ही यहाँ पर बनाना चिप्स और कई सारे स्पाइसेस एंड केक्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो यहाँ पर काफी फेमस है। और यहीं पर आप एलएपी के एक प्रसिद्ध टेंपल में भी जा सकते हैं। एलएपी के हाउस बोट से अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मार्केट में, और मार्केट में पड़ता है राजा राजेश्वरी टेंपल। पीछे जो बैक साइड में है टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, अंधेरा है, प्रॉपर दिख नहीं हो रहा होगा। और इधर अयप्पन जी का मंदिर है, और भी काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मंदिर का, तो यहाँ पर भी आप आएंगे तो यहाँ पे इवनिंग में अगर 7 बजे 7:30 के आसपास आते हैं तो आपको आरती भी देखने को मिलती है टेंपल में। अगर आपको एंटर करना है अंदर मंदिर, मतलब दूर से तो आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर अगर आप एंटर करते हैं तो आपको अपना बनियान रिमूव करना होगा, मतलब ऊपर की तरफ कोई नहीं आपको कपड़ा पहनना होगा, नीचे केवल पहन सकते हैं। सो ये यहाँ का रूल भी है, तो ये भी आप जान के रखें। मार्केट से वापस हम हाउस बोट पहुंचे और डिनर के बाद सुबह हाउस बोट से चेकआउट करने की तैयारी की। एलएपी में हाउस बोट कई प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह के हैं, छोटी हैं, बड़े हैं, शेयरिंग में हैं, आप चाहे तो पर्सनल अपना प्राइवेट कर सकते हैं। तो हर का अलग अलग रेट है, और वो स्टार्ट हो जाता है 4-5 हज़ार रुपये से लेके 15 हज़ार तक, या फिर हो सकता है ज़्यादा भी जाए। और साथ ही अगर आपको इसमें केकिंग वगैरह करनी है तो वो भी बैक वाटर में कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप चाहें तो कैनाल होता है यहाँ पे, उसमें डे टूर भी कर सकते हैं, तो उसका भी 4,000-2,000 उसका भी अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग है। तो सारी चीज़ें हैं, फिलहाल मैं तो पैकेज में आया हूँ हॉलीडे लाइफ टूर्स के थ्रू, तो उनके थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और पूरा पैकेज आप ले सकते हैं केरला का। हाउस बोट से चेकआउट करके बारी थी एलएपी की और भी प्लेसेस एक्सप्लोर करने की, लेकिन उसके पहले लेना था एक अलग एक्सपीरियंस। आप सभी ने सुना होगा केरला में आयुर्वेदिक मसाज काफी पॉपुलर है, और यहाँ पर इसके लिए काफ़ी सारे सेंटर हैं, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर जगह है जहाँ पे मैं आया हूँ अभी, यह है आयुर्ग्रेनी, जो कि आयुर्वेदिक वेलनेस विलेज है। और यहाँ पर आज मैं लूँगा आयुर्वेदिक मसाज और इसका ट्रीटमेंट। यहाँ कई तरह से मसाज की सुविधा है, जो कि कई सारे डिजीज में भी हेल्प करती है। इस आयुर्वेदिक मसाज का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही अलग होगा। आप पहले भी अगर कहीं करवाए हो सो केरला का ज़रूर ट्राई करें। सो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कितना अलग होता है बाकी जगहों से, यहाँ पर तरीके कितने अलग होते हैं, वो आपको इजली यहाँ पर देखने को मिलेंगे और समझ में आएगा, और आपकी बॉडी भी फील करेगी, एक तरह से हील हो जाती है पूरी आपकी बॉडी, और बहुत रिलैक्सिंग आप फील करते हो। अगर आप एकदम नॉर्मल करवाना चाहते हैं, बिल्कुल बैक एंड लेग मसाज कराना चाहते हैं, 45 मिनट्स के लिए होता है 1000 रुपये लगता है। फुट मसाज कराना चाहते हैं 30 मिनट्स का 800 रुपीज़ है।
और बाकी ये सब आयुर्वेदिक होता है, ऑयल वगैरह का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग नाम है, जैसे अभ्यांगम, सो इसका 1600 लगता है 60 मिनट्स का, जिसमें आपको हर्बल ऑयल का यूज़ करते हैं हैंड और पूरा बॉडी मसाज एक तरह से ही आपका पूरा होता है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं जो लीव्स के साथ पत्तियों से होता है मसाज, उसका 2200 है 60 मिनट्स का होता है, और इवन चावल की थैली के थ्रू भी मसाज होता है जिसको राइस बंडल मसाज कहते हैं, सो उसका 3000 लगता है 60 मिनट का होता है। अगर फेस पैक का कराना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक फेस पैक भी होता है, सो उसके लिए 1500 लगता है, जो मैं करवाने वाली हूँ 35 मिनट्स के लिए। और मसाज के एक्सपीरियंस के बाद अब बारी थी एलएपी में कुछ प्लेसेस घूमने की। एलएपी के बीच पर मैं आ गया और यहाँ की वेव्स बहुत बड़ी बड़ी है और इसी वजह से आप यहाँ पर नहा नहीं सकते हैं, यहाँ पे स्विमिंग प्रोहिबिटेड है और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे वेव्स आ रही है, मतलब यहाँ पे खड़ा हो बार बार आप देखो मतलब गजब है यहाँ पे, और हवा इतनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी, पानी एकदम ठंडा ठंडा सा है पानी, आप अपने मतलब पैरों में डुबो सकते हैं और मज़ा आएगा। तो पैरों में कैसे डुबोएंगे क्या बोल रहा हूँ नहीं मालूम है, मतलब वाइब्स आ रही है एकदम बीच वाली, लेकिन आप यहाँ नहा धो नहीं सकते और बस टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बीच से ही थोड़ा पैदल चलकर आप एलएपी के लाइट हाउस पहुंच जाएंगे। मैं आ चुका हूं लाइट हाउस में और ये आप देख रहे होगे लंबी सी इमारत, लक्षद्वीप की वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो उसमें आपने लाइट हाउस देखा होगा, और उससे थोड़ा कम ऊंचाई इसकी लग रही है। फिलहाल देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू है, अंदर एंट्री है या नहीं है। बाकी लाइट हाउस बाहर से तो बेहद मज़ेदार लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, इसके सामने खड़े होकर आप कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। लाइट हाउस में आपको यहाँ लगभग 6 से 7 फ्लोर चढ़ने होते हैं और ऊपर आकर आपको पूरे एलएपी का व्यू दिखता है। फिलहाल मैं हूँ वर्कला में और अभी ये मेरा रिजॉर्ट है और इसकी वीडियो भी आप सभी को जल्द ही देखने को मिलेगी, आप सभी देख पाएंगे। बाय द वे अब बात कर लेते हैं एलएपी में बजट की और आइटनरी की। तो एलएपी में घूमने के लिए आपके पास एक दिन होना ज़रूरी है, मतलब एक दिन में आप यहाँ की प्लेसेस कवर कर सकते हैं आराम से इजली, क्योंकि यहाँ के जो भी प्लेसेस हैं आसपास में हैं और बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं है। सो एक दिन की आइटनरी जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और शुरुआत आपको करनी पड़ेगी मॉर्निंग 6 o'clock, सुबह 6 बजे आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आप एलएपी बीच और लाइट हाउस यहाँ का एलएपी का कवर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ टेंपल्स वगैरह कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका लगभग 12 बजे तक का टाइम बिजी हो जाएगा। इसके बाद बात आती है जो नेक्स्ट, वो ये है कि आप हाउस बोट में चले जाएँ। हाउस बोट में जाकर आप वहाँ पे आराम से अपना टाइम बिता सकते हैं पूरा, जो लगभग आपका 12 बजे चेक इन करेंगे और 5 बजे तक हाउस बोट आपको दूसरे तट पर ड्रॉप कर देगी, और फिर उसके बाद ड्रॉप करने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ की एलएपी की मार्केट में और मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ भी कुछ टेम्पल वगैरह देख सकते हैं। तो ये जो आप चीज़ें करेंगे इसमें आपका पूरा दिन चला जाएगा और मॉर्निंग में आप वापस से चेकआउट कर सकते हैं। अगर 2 दिन है तो आप रिलैक्स सारा चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में थोड़ा सा आपको पूरा टाइम बिजी हो जाएगा घूमने में ये होगा। सो ये आपका एक दिन का पूरा प्लान रहेगा और एक दिन में कवर भी कर लेंगे। अब बात करेंगे कि कैसे घूम सकते हैं। घूमने के लिए आप यहाँ पे स्कूटी हायर कर सकते हैं, स्कूटी आपको मिल जाती है और वो मिल जाती है आपको लगभग 800 से 1000 रुपये मिलेगी, डिपेंड करता है सीज़न पे। सो ये भी आप ध्यान रखें कब सीज़न में जा रहे हैं उसके ऊपर हिसाब से ऊपर नीचे होगा रेट। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट है, अब बात करते हैं फूड की, तो फूड पे जो खर्च वगैरह होंगे वो लगभग आपके 1500 रुपये तक खर्च हो जाएंगे, या 2000 रुपये मान के चले, 2000 का बजट आप फूड के ऊपर रख सकते हैं 2 लोगों का कपल का। होटल का यहाँ पे जो खर्चा आपका आएगा, होटल का आ सकता है अराउंड आपका 1500 से 2000 रुपये, ये सभी रेट्स सीज़न पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादा भी कभी कभी हो सकते हैं, ये 2 adults के लिए पर नाइट। तो अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि ओवरऑल आपका बजट क्या लग सकता है। होटल का जैसा कि मैंने बता दिया, मैं कपल का भी बता रहा हूँ, आपका लगभग 2000 रुपये का होटल का खर्चा हो जाएगा, फूड का 2000 हो जाएगा मतलब 4000 रुपये, और इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन का जिसका आप 1500 रुपये मान के चले, अगर आप स्कूटी लेते हैं या फिर आप ऑटो वगैरह से भी चाहे तो घूम सकते हैं, उसका भी अराउंड इतना ही खर्चा लगेगा। स्कूटी का 1500 लगभग इसलिए क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी भरवाएंगे आप, तो ये सब चीज़ें होंगी, तो ओवरऑल इतना मान रहा हूँ मैं।
तो आपका जो टोटल खर्चा आता है वो आता है 5,500 रुपये आता है। लेकिन 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 हाउस बोट अभी बाकी है, हाउस बोट का खर्चा अलग है और यही मेज़र खर्चा है। लगभग आपका हाउस बोट का ही खर्चा यहाँ पे आ सकता है अराउंड 6,000 से 8,000 रुपये का दो लोगों का। तो जो बजट आपका पहुंच जाता है वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाता है। तो मैंने तो यहाँ पे पैकेज लिया हुआ था और 2 दिन का मन्नार का और 1 दिन का मैंने लिया हुआ था एलएपी का और 1 दिन कोची का। तो ये 18,500 रुपये का ये पैकेज पूरा कंप्लीट करवाया था और इसमें मतलब काफ़ी अच्छे से हो गया। कार भी मिल गई मुझको, फूड भी मिल गया और भी कई सारी चीज़ें थी और बाकी मैंने कुछ कस्टमाइज भी कराया था। आप अपने अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपके लिए ये बजट था। और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो सभी जगह मोबाइल नेटवर्क भी मिल जाते हैं ईज़िली और यहाँ पे सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। आराम से सेफ़ प्लेस है घूमने के लिए, सभी जगह बहुत अच्छी है। बेस्ट टाइम की बात की जाए तो मई जून वैसे तो गर्मी होती है, उसके बाद आप विंटर के टाइम में जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब ये मानसून बीत जाता है। बहुत लोग मानसून में नहीं आते लेकिन मैं मानसून में आया हूँ। मानसून बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम भी आप प्लान कर सकते हैं। और इस सस्ते में प्लान करना है, सस्ते में घूमना है तो भाई मानसून बेस्ट टाइम है और अच्छा व्यू भी मिलता है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी फी 99 रुपीज़ पे करके, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, किसी भी प्लेस के बारे में जान सकते हैं। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड्स।